इन्हें अब तक आपने चुटकुलों में सुना, कहानियों में पढ़ा, लेकिन अब आ रहे हैं आपको ये पर्दे पर हंसाने। जी हमारे साथ है संता और बंटा। खैर इंटरव्यू के पहले मैं देखा फोटो खिंचवा रहे थे आप लोग, तब कुछ गुनगुना रहे थे, कौन सा गाना है वो? कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? शुरुआत आज उसी से कर लेते हैं। इश्क कर ले एनी टाइम, गुनगुनाने को कहा मैंने। बताने चाहेंगे फिल्म में बेसिकली है क्या ही? जी संता और बंता दो भाई हैं जो पंजाब में एक गांव में हैं, बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही सिंपल हैं, कभी देश के बाहर नहीं गए हैं, कभी गांव के बाहर नहीं गए, कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठे हैं, और इन दोनों को सीक्रेट एजेंट बना दिया जाता है और एक बहुत बड़ा केस दे दिया जाता है जिनकी वजह से उनको फीजी जाना पड़ता है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेवियर बनते हैं ये दोनों लोग। कॉमेडी है और जितनी बड़ी प्रायोरिटी एक दूसरे हैं एक दूसरे के लिए, खाना भी प्रायोरिटी है। बनते पहले मैंने देखा बनते पहले मैं देखा बनते। अच्छा ठीक 50-50 डन, मतलब 100 पाजी, बाकी के 900 का क्या होगा? वुमन, आपको हमने ऑलरेडी एक सरदार के किरदार में देख चुके हैं मुन्ना भाई सीरीज में, यहाँ पर कितने डिफरेंट सरदार बने हुए हैं? हर कोई इंसान डिफरेंट होता है, भले सरदार हो या साउथ इंडियन हो या पारसी हो या बंगाली हो, इंसान इंसान होता है और हर इंसान 5 उंगलियाँ एक तरीके नहीं होते। लेकिन ये सरदार भी संता बनता वो गांव के है, लेकिन है रियली सीक्रेट एजेंट्स और वो किसी को पता नहीं, वो हम वो दिखाते कि हम मतलब इनोसेंट है गांव के है, लेकिन है बहुत ही ग्रेट सीक्रेट एजेंट्स, अंडरकवर एजेंट्स, और वो ये केस सॉल्व करने निकलते हैं, फीसी तक पहुंच जाते हैं और सिर्फ केस सॉल्व भी करते हैं, लेकिन उसकी जो जर्नी है वो देखने लायक है, बहुत ही मज़ेदार। मेरे किरदार का नाम है करीना और संता और बंता, ये जो कहानी है संता और बंता की कहानी है और कैसे वो एक फीजी तक पहुँचते हैं पंजाब से एक केस सॉल्व करने के लिए, और वो केस सॉल्व करते करते उसी दौरान वो और कई लोगों से मिलते हैं, कई किरदारों से मिलते हैं, आई हैपन टू बी वन ऑफ देम, और कैसे कहानी आगे बढ़ती है और आगे चाहे संता या बंता का हो या मेरे किरदार का, कई लोगों का खुलासा होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म्स अबाउट, और ये सब जो है इट्स डेल्ट विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर, सो दैट्स व्हाट मेक्स द फिल्म फन। बट नाम से ही जाहिर हो रहा है एक प्राइवेट, नहीं आप रखिए प्राइवेट है लेकिन माइक रख सकते हैं कि यू फॉल इन लव विद मी, वो नहीं बताया, बताना है, बता झूठ बोलना है, नहीं नहीं बता दो, हाँ वो हाँ और मेरा जो संता जो है वो इमेजिन करते हैं मुझे करीना, नहीं नहीं सच सच बता बोल दो, मुझे संता से प्यार हो जाता है फिल्म, वो तो पहले से ही था अभी भी है आगे जिंदगी भर रहेगा संता से प्यार। बोमन और वीर, यही पहली चॉइस थे आपके लिए? हाँ जी बिल्कुल, हमने शुरुआत ही ये सोच कर की कि इनके साथ फिल्म बनाएंगे, इनको मिले, इन्होंने यस कहा, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल, और भी काफ़ी सारे कॉमेडियंस को आपने ला दिए हैं, लगा नहीं कि फिल्म कॉमेडी के तौर पे कुछ ज़्यादा ही भारी होते जा रही है? नहीं, वो हर आदमी अपना किरदार कर रहा है, चाहे वो राम कपूर हो, विजय राज, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, लीजा नेहा, बमन, वीर और भी हैं, विजय शिरजी, विजय पाटकर, टीनू आनंद, तो हर कैरेक्टर को जो सूट करता गया हम लेते गए, और कॉमेडी जैसे आप सोच रहे हैं कि हर आदमी गुदगुदा रहा है और वो वैसा नहीं है, वो अपने किरदार कर रहा है, जैसे बमन जी ने बोला जर्नी फनी है। आज के तारीख में सबसे बड़ा डॉन कौन है? और ये संता बनता शेर को पकड़ने को आया है, वीर को मालूम है। अच्छा वीर, आप स्टैंड अप कॉमेडी में कई समय से रहे हैं, यहाँ पर भी स्टैंड अप कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है जॉनी लीवर है आपके साथ, कैसा रहा उनके साथ अनुभव? आई थिंक जब भी आप जॉनी लीवर के साथ एक सीन करते हैं, मेरा एक पर्सनल जर्नी है जॉनी लीवर के साथ, जब मैं 12 साल का था आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत बड़े इन्फ्लुएंस है मेरे कॉमेडी करियर में, जो डिसीजन मैंने लिया था टू डू स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया एंड नोवेयर एल्स बट इंडिया, जॉनी लीवर इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दैट डिसीजन बिकॉज ही इज़ द बेस्ट कमेडियन वी एवर हैड। तो जब आप उनके साथ एक सीन में काम करते हैं, इट्स इनिशियली लिटिल इंटिमिडेटिंग, यू आर वेरी नर्वस अबाउट दैट सीन, और आप आधे सीन में उनको देख रहे हैं, आधे सीन में अपना काम कर रहे हैं, और अपने आप को थप्पड़ मारना पड़ता है कि भैया इनको देखना बंद करो, अपना भी थोड़ा काम करो। यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम वॉचिंग जॉनी लीवर, सिर्फ एज ए कमेडियन नहीं, एज ए प्रोफेशनल नहीं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं,
और जो उनका कॉमेडी कॉन्टेंट है दैट कम्स फ्रॉम हिज लाइफ। कितनी कॉमेडी सीखने को मिली, इतने महान और बड़े बड़े कॉमेडियंस यहाँ पर मौजूद थे। जितनी देर के लिए मैं ध्यान दे रही थी मैंने बहुत कुछ सीखा, और जब लंच के बाद ध्यान चले जाता था मेरा क्योंकि खाना खा लेती थी उसके बाद नींद आ जाती थी तो मैं ज़्यादा नहीं सीखती थी। पर ऑन अ मोर सीरियस नोट, आई मीन एवरीबडी इज गॉट देयर ओन स्टाइल, एवरीबडी इज गॉट देयर ओन वे ऑफ डूइंग कॉमेडी। मतलब एक ही जो जॉनर है उसके इतने अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि इतने कॉमेडी के जो महारथी हैं सब भरे हुए हैं इस फिल्म में, वो देख कर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ये LOLs का क्या राज है यहाँ पर? मैं देखा काम नहीं है ये LOLZ, LOL, LOL मतलब laugh out loud। वो तो Z क्या होता है? Z is like it's the plural। क्या है मतलब, ये कौन सी लैंग्वेज है? जब तीन से ज़्यादा LOL एक बिल्डिंग में मिल जाते हैं तो वो LOLs कहलाते हैं। मतलब संता बंता देखने के बाद everyone will be LOLs। लेकिन ओपनली संता बंता तीन से ज़्यादा LOLs देखने आएंगे। कौन सी है? English. Oh really? Yes. Very today. You know what I can say to this English? You know what my response to this kind of English is? Okay. Lol. I think is targeted towards mainly children or families. Children jayenge to family saath mein jayenge hi jayenge. So I think that's the target. So agar kuch gande jokes, matlab not I'm against, main kisi ke khilaf nahi bol raha hu. लेकिन कोई भी जोक्स जो हम लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन जोक्स, ये फिल्म में फिट नहीं होते। दूसरे फिल्म में दूसरे ऑडियंसेस के साथ बेशक कीजिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, बट इन दिस फिल्म आई डोंट थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर दैट। फिल्म को लेकर ऑब्जेक्शन हो भी गए थे शुरुआत में? नहीं नहीं, कुछ लोगों ने बिना देखे कुछ इजहार किया कि हमें लगता है ऐसा ऐसा, फिर उन्होंने फिल्म देखी और वो सारे मसले सॉल्व हो चुके। मछली जल की रानी है, रत दारू के संग खानी है। मछली जल की रानी है, रत दारू के संग खानी है। मछली 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 पम पम दारू 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 पम पम मछली 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 जल की।